ये देखिए जी, ये देखिए दोस्तों कितना डर रही है, ये देखिए दोस्तों कितना डर रही है, लीजिए ना, अरे लीजिए महाराज। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों हाय करो बाबू, हाय दोस्तों। और देखिए दोस्तों हमारी छोटी, और दोस्तों हमको अकेले ही आज ब्लॉग चालू करना पड़ा। और देखिए दोस्तों, हम काम पर से आए हैं अभी, तो छोटी को यहाँ सुला दी हैं और बाबू और अर्चना दोनों देख रहे हैं दोस्तों, तालाब में कपड़ा धो रही हैं उधर, तो चलते हैं दोस्तों वहाँ। और ये देखिए दोस्तों हमारी अतौरिया, ये मतलब इसको खिला उला दी हैं तब गई हुई हैं, मतलब पूरा बढ़िया से साफ कर दिया है खा करके। और देखिए एकदम पेट भर गया है फर्स्ट क्लास। और ये देखिए दोस्तों बछवा को इधर है, देखिए कैसे कूद रहा है। और दोस्तों देखिए इधर छोटी रो रही है, ओए ओए ओए, वाह वाह। दोस्तों अभी हम चलते हैं तालाब में, तो दोस्तों देखिए हम चलते हैं तालाब में और इधर से ही जाएंगे दोस्तों शॉर्टकट, उधर से घूम के नहीं जाएंगे। अरे क्या कर रही हैं जी, ये देखिए दोस्तों उधर तालाब में। और ये देखिए दोस्तों हम तालाब में आ चुके हैं, इतना पानी हो गया है बारिश का। और देखिए दोस्तों ये क्या कर रही हैं इधर, ये देखिए, देखिए दोस्तों क्या कर रही हैं जी, हाय करिए पहले। और दोस्तों देखिए इधर कपड़ा धोने आई हुई हैं तालाब में, और दिन में थोड़ा काम वम की होंगी और गाय को खिलाई हैं खिला करके, और तब इधर समय मिला है तो आई हुई हैं। और ये देखिए दोस्तों इतना पानी हो गया है तालाब में, और कितना साफ पानी है दोस्तों, ये देखिए इतना फ्रेश पानी है, बिल्कुल हाथ पे दिख रहा है दोस्तों, नहीं एकदम बिल्कुल साफ पानी है। और देखिए दोस्तों इधर तालाब का कुछ हमारा नज़ारा, और उधर बंधे के उस पार तालाब है, उसमें हमारा सिंघाड़ा का पौधा है दोस्तों, इसमें अगर पानी बढ़ जाएगा तो सिंघाड़ा लगा देंगे। देखिए अभी इतना पानी हुआ है। और देखिए दोस्तों नाव पे बैठ करके कपड़ा कैसे धो रही हैं। और देखिए दोस्तों इधर ये वाले पे हम बैठ जा रहे हैं, या कितना मज़ा आ रहा है दोस्तों। ए नहाना है, नहाना है, नहीं नहाना है दोस्तों, देखिए इनको हम भिगो रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये भी हमको फेंक रही है पानी दोस्तों। धो लीजिए जल्दी जल्दी, उधर छोटी रो रही है, तो धो करके हम लोग चलते हैं दोस्तों, अभी पहले धो लें कपड़ा। और देखिए इधर शाम हो गया है बिल्कुल दोस्तों, इतना घाटा बनाया हुआ है देखिए आसमान में, पूरा घाटा है चारों तरफ, ये देखिए, तो इधर बारिश का मौसम बनाया हुआ है। हाँ ये छोटी को देखते रहना जी दोस्तों, सामने में ही घर है तालाब के सामने, ठीक, तो छोटी अगर रोएगी भी तो हम लोग सुन लेंगे, साफ कर रही है जी, साफ हो रहा है, हाँ कस के बोलिए ना। ये देखिए दोस्तों इधर यही सफाई करना होता है, जब सिंघाड़ा हम लगाएंगे तो ये सब चीज़ इसको निकाल करके बाहर फेंकेंगे, फिर सिंघाड़ा लगाएंगे। और देखिए ये हमारा शर्ट धो रही हैं, और वो कौन है, छोटी का है, तो बच्चों का कपड़ा है, मुनमुन का है और अर्चना का, बाबू का, धो लीजिए बढ़िया से। और दोस्तों देखिए अभी तो पानी कम है, जब बारिश इधर होगा और बाढ़ आएगा तो दिखाएंगे कि कितना पानी आता है इधर, पूरा ज़्यादा पानी हो जाता है, यहाँ खड़े हैं तो समझ लीजिए माथ से ऊपर पानी हो जाता है यहाँ पर, जोंक नहीं ना पकड़ेगा जी, हाँ अरे साला हमको तो याद नहीं है, नहीं है दोस्तों जोंक नहीं है, क्योंकि अभी नदी से पानी डायरेक्ट नहीं इसमें आया है, ये बारिश का पानी है, नहीं तो जोंक तो ज़रूर आते हैं, पानी में तो जोंक होते ही हैं। और दोस्तों देखिए पानी में मोबाइल लेके आना कितना रिस्क होता है, अगर थोड़ा भी पैर फिसल गया तो पानी में जय सीताराम हो जाएगा मोबाइल।
और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमको जोक पकड़ लिया था, ये देखिए दोस्तों हमको जोक पकड़ लिया। हम कह रहे थे अभी कि नदी से पानी नहीं आया है तो कहाँ से आएंगे। ये देखिए हाँ दोस्तों, हम इनको गिफ्ट दे रहे हैं, देखिए हाथ बंद है, गिफ्ट को खोला नहीं जाता है। लीजिए जी गिफ्ट है, अरे लीजिए ना महाराज, अरे लीजिए ना, अरे महाराज। ये देखिए दोस्तों कितना डर रही है, मतलब जोक से, और हम इसको हाथ में लिए हैं। और एक ठेंगी होता है हमारे तरफ दोस्तों, जो घास में रहता है इन्हीं के जैसे, लेकिन ये लोग मोटे हैं और वो ठेंगी लोग थोड़ा पतला होता है। तो वो लोग बकरी को पकड़ता है, इंसान आदमी को भी पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे खर घास पे रहते हैं। जल्दी से धो लीजिए, देखिए दोस्तों अब इनका बत्ती गुल हो गया है। अब ये सोच रही हैं कि फटाफट धो के भागें, टपाटप भाग जाएं। जल्दी धो लीजिए नहीं तो उधर से आ रहा है। हाँ बाबू, अरे छोटी रो रही है। अच्छा ठीक है, हम लोग आ ही रहे हैं, मनाओ जब तक। ये देखो बाबू जोंक है पकड़े हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जल्दी से धो लेंगे क्योंकि छोटी रो रही है और लग रहा कि एगो और पकड़ा है हमको। और ये देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा कि इनको कौन सा गिफ्ट दिया जाए। ये देखिए दोस्तों, हाँ नहीं जाइएगा दोस्तों, ये बोल रही है कि पानी में कदम नहीं रखूंगी, यहीं पे रहूंगी, तो यहाँ पे रात भर रहेंगी और नाव यहाँ से चलेगा नहीं क्योंकि पानी कम है, किनारे तक जाएगा नहीं। ये देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन जोंक को पकड़ते हैं, और नदी की तरफ जो होंगे वो तो ज़रूर पकड़ते होंगे। और ये देखिए दोस्तों, इसको अब हम छोड़ देते हैं, ये चला गया, देखिए चला गया, देखिए जा रहा है उधर। अभी शाम हो गया है तो नहीं दिख रहा है, नहीं तो दिन होता ना तो दिखता पानी में भी, क्योंकि पानी बिल्कुल साफ है। और मोबाइल पानी से बचाना है, ये भी देखना है कि भीगे नहीं। जल्दी धो लीजिए महाराज, नहीं तो इनाम मिलेगा, और वो इनाम तो आप जानती ही है। अरे भाई हम उठा के लेके चल चलेंगे ना, कहाँ टेंशन की है, हम हैं तो किस बात का गम है। अरे बाल्टी हम ले लेंगे, बोल रही हैं कि बाल्टी नहीं ले जाऊंगी, जल्दी जल्दी भाग जाऊंगी। और दोस्तों इसमें जब पानी बढ़ेगा तो हम नहा के दिखाएंगे इसमें, और सिंघाड़ा लगाएंगे तो वो भी दिखाते रहेंगे। दोस्तों हम सिंघाड़ा लगाते हैं, ये पकड़ा नहीं ना जी दोबारा, नहीं नहीं पकड़ा है, दोबारा पकड़ लेते हैं। ये पानी हिलता है, हिलने के आभास करके और पहुँच जाते हैं पास में, तो डर होता है। ये बहुत डरती हैं, और सबसे अधिक अर्चना डरती है। देखिए इधर बारिश आ गया, बूंदा बूंदी चालू हो गया, देखिए इधर पानी में। और अब हम लोग मोबाइल बंद करके छुपाएंगे, भागेंगे, भागिए जी। देखिए दोस्तों बारिश आ रहा है ना, बूंदा बूंदी हो रहा है, देखिए हाँ। मोबाइल बाल्टी में डालते हैं दोस्तों, देखिए इसी को कवर बनाते हैं ये, हाँ अब हो गया दोस्तों हमारा। देखिए कितना बढ़िया बाल्टी बचा लिया हमारे मोबाइल को जियो। ये देखिए जी, अरे गजब। ये देखिए दोस्तों, हम बाल्टी को लगा दिए हैं उस पर कवर के जैसे, और वीडियो शूट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी धो लीजिए जी, आप हमको भी भेज देंगी, आपको तो नहाना है, हमको नहीं नहाना है। देखिए दोस्तों बाल्टी इस पर लगा दिए हैं, ये देखिए ये बाल्टी इस पर लगा दिए हैं मोबाइल पे, और फिर वीडियो बना रहे हैं कि भीगे नहीं हमारा मोबाइल, हम लोग तो भीग रहे हैं दोस्तों। जल्दी से धो लीजिए ना, चलिए भागी छोड़ दीजिए घर पे चल के। दोस्तों हमारा ये जो नल है ना, ये इधर जो पानी आता है बोरिंग सरकारी वाला, इसी में मतलब कि पानी नहीं आ रहा था, इसलिए ये इधर आई हुई है। अरे नहीं है, चलिए ना जल्दी खंगाल लीजिए। तो इसमें पानी नहीं आ रहा था, इसलिए ये सोची कि इसमें धो लेंगे, और खाना वाना के लिए तो उधर से भी ला सकते हैं पड़ोस से पानी, और बन जाएगा, थोड़ा सा तो बनाना होता है। चलिए चलिए भगिए, अरे नहीं चलिए आराम से, हाँ चलिए आगे भी। दोस्तों देखिए अब हम लोग चल दिए हैं यहाँ से, और देखिए टपाटप, अरे आराम से चलिए ना, गिर जाइएगा, टपाटप भाग रही हैं। देखिए दोस्तों बाल्टी उतार दिए मोबाइल के ऊपर से, और इसमें देखिए दोस्तों हमारा पानी नहीं दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए इधर से ऐसे करते हैं तो पानी देता है, ये खुल गया है, ये बंद हो गया, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था, इसीलिए मतलब ये गई थी उधर धोने के लिए कपड़ा। आ जाओ बाबू जल्दी से आ जाओ,
दोस्तों हम लोग आ गए इधर, देखिए अतवरिया को अब घर में बांधेंगे और इसको भी, और घर में ही दूध निकालेंगे। दोस्तों तालाब से हम लोग भाग के आ गए हैं और अतवरिया को अब घर में ले जाएंगे, उस घर में जल्दी से। और इधर देखिए चूल को भी ढाँप दिया हम लोग। और इसी के साथ दोस्तों हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं, यहीं तक रखते हैं। हाय करिए जी सब लोग, बाय दोस्तों। शाम हो गया दोस्तों, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय जवान जय किसान।